यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर अवस्था में। थोड़े दिन पहले पानीपत और सोनीपत के अंदर 46 लोगों की मौत हुई, फिर 4 लोगों की मौत हुई। ये लगातार जहरीली शराब का मामला हरियाणा के अंदर चलता जा रहा है, परंतु हरियाणा सरकार आंख बंद किए हुए है। लोगों की मौत हो जाती है, बिना पोस्टमार्टम के उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। आज हरियाणा में जगह जगह नशा बेचा जा रहा है, चिट्टे का नशा बेचा जा रहा है, नकली दारू का नशा बेचा जा रहा है, इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग्स का नशा बेचा जा रहा है। एकांत की जगह पे जहां हम जाएं सिरिंजें हरियाणा के अंदर मिलती है। नकली दारू ब्रांडेड बोतल के अंदर भर के बेची जा रही है, 600-700-800 रुपए के दारू 5-5-6-6 हजार रुपए में। फरीदाबाद के अंदर नकली दारू बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, गुड़गावा के अंदर ये धंधा चल रहा है। हरियाणा सरकार देखो क्यों ऐसा कब तक चलता रहेगा। हरियाणा की आने वाली पीढ़ी को रोजगार देने के बजाय नशे के अंदर झोंक देने का काम कब तक हरियाणा सरकार करती रहेगी। अब वक्त आ चुका है, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और इस नकली शराब के धंधे को, जहरीली शराब के धंधे को, नशे के धंधे को बंद करना पड़ेगा। यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर अवस्था में। थोड़े दिन पहले पानीपत और सोनीपत के अंदर 46 लोगों की मौत हुई, फिर 4 लोगों की मौत हुई। ये लगातार जहरीली शराब का मामला हरियाणा के अंदर चलता जा रहा है, परंतु हरियाणा सरकार आंख बंद किए हुए है। लोगों की मौत हो जाती है, बिना पोस्टमार्टम के उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। आज हरियाणा में जगह जगह नशा बेचा जा रहा है, चिट्टे का नशा बेचा जा रहा है, नकली दारू का नशा बेचा जा रहा है, इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग्स का नशा बेचा जा रहा है। एकांत की जगह पे जहां हम जाएं सिरिंजें हरियाणा के अंदर मिलती है। नकली दारू ब्रांडेड बोतल के अंदर भर के बेची जा रही है, 600-700-800 रुपए के दारू 5-5-6-6 हजार रुपए में। फरीदाबाद के अंदर नकली दारू बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, गुड़गावा के अंदर ये धंधा चल रहा है। हरियाणा सरकार देखो क्यों ऐसा कब तक चलता रहेगा। हरियाणा की आने वाली पीढ़ी को रोजगार देने के बजाय नशे के अंदर झोंक देने का काम कब तक हरियाणा सरकार करती रहेगी। अब वक्त आ चुका है, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और इस नकली शराब के धंधे को, जहरीली शराब के धंधे को, नशे के धंधे को बंद करना पड़ेगा।